डाइपोल पहले क्या होता है ये देखते हैं। ये तो हम जानते हैं कि माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज ऐसे पास पास में रखा हुआ है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, तो इन दोनों को, इस सिस्टम को एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। माइनस और प्लस चार्ज पास में रखा है। मान लेते हैं इन दोनों के बीच डिस्टेंस डी है, इन दोनों चार्जेस के बीच का गैप डी है, तो दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिख देंगे, मतलब उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना अमाउंट है चार्ज का, साइन नहीं लिखना है माइनस प्लस, और ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस क्वांटिटी को पी बोला जाता है, डाइपोल मोमेंट, क्यू इंटू टी। तो डाइपोल मोमेंट का यूनिट हो जाएगा कूलम्ब, और इसका मीटर होता है तो कूलम्ब मीटर हो गया, ये सेंटीमीटर नहीं कूलम्ब मीटर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वेक्टर क्वांटिटी, और इसका डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की तरफ, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है जिसपे ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है और बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है और ए पे माइनस क्यू है यहाँ। इसी का हम पोटेंशियल निकालने वाले हैं, इसका पोटेंशियल कितना होता होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस माइनस और प्लस क्यू ये दोनों चार्जेस से किसी भी एक पॉइंट पी पे, यहाँ पे पी पॉइंट है, मुझे पोटेंशियल पता करना है। तो इससे इसका डिस्टेंस है आर वन और इससे इसका डिस्टेंस हम मान लिए कि आर टू है, और डाइपोल के सेंटर से इसका डिस्टेंस आर, तो मुझे आंसर जो लाना है ना वो आर के टर्म में लाना है, ठीक। मतलब इसके सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, तो इस आर के टर्म में मुझे पोटेंशियल निकालना है कि यहाँ पे क्या पोटेंशियल होगा, जनरल फॉर्मूला बनाना है। तो ये अगर आर दिया हुआ है तो इस साइड से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए लाइन, और डाइपोल के दोनों लाइन के बीच का गैप, यहाँ से यहाँ तक का गैप 2L कंसिडर किया हम, 2L, तो आधा इधर भी L और आधा इधर भी L हो जाएगा, L और L क्या हो गया 2L, राइट। तो अगर परपेंडिकुलर यहाँ से मैंने ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर, तो ये L है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल एक फॉर्म हो रहा है ना, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे फॉर्म हो रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूस की जगह पर L है, तो ये L साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और वैसे ही ये क्या हो जाएगा, L cos थीटा हो जाएगा ये कंपोनेंट। फिर दूसरे साइड में अगर यही काम हम करें, दूसरे साइड में, इस साइड में देखिए ये L लेंथ था, तो यहाँ पे मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये हाइपोटेन्यूस बन गया L, तो इधर L sin थीटा हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, L sin थीटा, और ये वाला टर्म क्या होगा, L cos थीटा होगा ये टर्म, राइट। तो अब R1 और R2 का वैल्यू मुझे एक्सप्रेस करना है R और L के टर्म में, क्योंकि गिवन क्या होगा, R होगा सेंटर, डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस, और L, ये दोनों क्वांटिटी गिवन होगा, तो मुझे फाइनल आंसर भी R और L के टर्म में ही लाना है। तो अभी यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि मुझे ये R चाहिए, लेकिन गिवन क्या होगा, ये R और L गिवन होगा, तो मैं R1 को R और L में कैसे एक्सप्रेस करूंगा, यहाँ से परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ किया ऐसे परपेंडिकुलर, और यहाँ से पूरा ये R था उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, और ये क्या है, L cos थीटा है, यानी अगर R में से L cos थीटा माइनस कर देंगे तो वही मेरा क्या होगा, ये वाला वैल्यू R1 का वैल्यू आ जाएगा, ये वाला रिमेनिंग साइड, यहाँ से यहाँ पूरा क्या था R, और उसमें से मुझे ये वाला माइनस कर देना है L cos थीटा, तो R माइनस L cos थीटा ही ये वाला टर्म हो जाएगा, सेंटर से ये वाला डिस्टेंस होगा। अब R1 मुझे चाहिए, R1, R1 कैसे मिलेगा इस चार्ज से डिस्टेंस, तो ये खुद हाइपोटेनियस एक है इस ट्रायंगल के लिए, ये वाले ट्रायंगल के लिए ये खुद हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर और बेस में दोनों का अगर स्क्वायर करें तो इधर देखिए साइड में हम कर रहे हैं, आर वन स्क्वायर जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर, यानी एल साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म, यानी कि आर माइनस एल कॉस थीटा, आर माइनस एल कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करने से मुझे मिल जाएगा आर वन स्क्वायर। तो देखते हैं कितना आ रहा है, आर वन स्क्वायर, आर वन स्क्वायर का वैल्यू आएगा, इसको हम कैसे कर ले रहे हैं, ब्लैक इधर यहाँ पे लिखते हैं, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर माइनस एल कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एल कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू आर एल कॉस थीटा,
तो देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो एल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है वन, तो ये एल स्क्वायर इंटू वन आ गया, फिर आर स्क्वायर है और माइनस टू आर एल कॉस थीटा आ गया। तो इस तरह से मैंने आर वन स्क्वायर फाइंड किया, आर वन स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू आर एल कॉस थीटा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ध्यान से अगर देखेंगे आर वन स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस टू आर एल कॉस थीटा है कि नहीं। तो इसी तरह से आर टू भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। आर टू फाइंड क्या करना है, आर टू क्या चीज है, ये वाला डिस्टेंस है आर टू, तो इसके लिए ट्राइंगल कौन सा फॉर्म हुआ है, ये ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, तो ये आर टू स्क्वायर हाइपोटेनियस है, तो आर टू स्क्वायर क्या होगा, बेस यानी कि एल साइन थीटा का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ये वाला साइड, परपेंडिकुलर मतलब आर प्लस एल कॉस थीटा का स्क्वायर, ऐसे करेंगे। तो फिर से इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे इसको, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू आर एल कॉस थीटा होगा। तो फिर से ये दोनों मिलकर खाली एल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में एल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इसमें आएगा और इसमें कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू आर एल कॉस थीटा, इतना आ गया इसका वैल्यू आर टू स्क्वायर का वैल्यू। तो देखिए आर टू स्क्वायर का भी वैल्यू ये आ गया और आर वन स्क्वायर का ये वैल्यू आ गया, दोनों आर टू और आर वन स्क्वायर मिल गया, तो आर टू स्क्वायर आर वन स्क्वायर उसको यहाँ पे मॉडिफाई करके लिखा हुआ है, मतलब आर स्क्वायर कॉमन ले लिया गया है सब। फिर फॉर शॉर्ट डाइपोल आर टूएल इज फार फार लेस देन आर, शॉर्ट डाइपोल में डाइपोल का लेंथ एकदम कम है, आर से कम है, तो मैं एल को क्या करूंगा, नेग्लेक्ट करूंगा, जहां भी एल है उस टर्म को नहीं लिखेंगे हम, एल वाले टर्म को, तो इससे एल वाला जो भी टर्म होगा जिसमें एल आया होगा उसको अगर आप नेग्लेक्ट किए तो कहाँ तक पहुंच जाएंगे, आर वन स्क्वायर, देखिए क्या आएगा आर वन स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर ब्रैकेट में वन, तो वन रह गया यहाँ, टू एल बाई आर कॉस थीटा, और ये वाला टर्म को क्या कर दिए नेग्लेक्ट एल स्क्वायर, क्योंकि एल तो बहुत स्मॉल है और उसका ऑल स्क्वायर कर देंगे और तो बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, तो इसीलिए इस टर्म को और इस टर्म को नेग्लेक्ट करके और यहाँ फिर से आर वन और आर टू का वैल्यू लिख दिया गया। फिर ये आर वन स्क्वायर था तो इधर रूट हो जाएगा ना जाकर, तो यहाँ वन बाई रूट वन बाई टू और वन बाई टू पावर लग गया रूट होने के चक्कर में, तो आर वन आर टू मिल गया। फिर उसके बाद हम वन बाई आर वन निकालेंगे और वन बाई आर टू, ऐसा क्यों कर रहे हैं वन बाई आर वन वन बाई आर टू, क्योंकि पोटेंशियल के फॉर्मूला में तो के क्यू बाई आर मतलब आर वन बाई आर ही तो लिखना है डिनोमिनेटर में, इसीलिए ये पहले से फाइंड करके रख लिया हम लोग। तो नेट पोटेंशियल सी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल क्या होगा, दोनों पोटेंशियल का सम यानी वी वन प्लस वी टू, तो V का फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K है और Q और अपॉन R लिखना है, तो यहाँ पे दोनों के लिए लिखेंगे यानी एक बार ये लिखेंगे और एक बार ये लिखेंगे और दोनों में सब्ट्रैक्शन लगाएंगे, क्योंकि एक निगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज का प्लस पोटेंशियल है निगेटिव चार्ज का माइनस पोटेंशियल, ये एक्सप्रेशन आ गया। फिर इसको जब ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को ऐड जब करेंगे हम सिंप्लीफाई किए ऐड करते ही VC इक्वल टू आ गया KP कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, यानी कि किसी भी जनरल पॉइंट पे डाइपोल के पोटेंशियल होता है KP कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया जनरल फॉर्मूला। अब इसमें KP कॉस थीटा में P क्या है, डाइपोल मोमेंट है, Q इंटू P को P लिखा गया है डाइपोल मोमेंट, और एक्सियल लाइन किसको बोलते हैं, जैसे माइनस चार्ज प्लस चार्ज है इन दोनों को लाइन में इसको मिलाएंगे ऐसे, तो इसको एक्सियल लाइन बोलते हैं एक्सियल, तो इस लाइन के ऊपर थीटा क्या आएगा, थीटा 0 डिग्री आएगा, तो कॉस को 0 पुट करेंगे कॉस को 0 तो आ जाएगा ये केपी बाई आर स्क्वायर आएगा, यानी कि डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल होता है केपी बाई आर स्क्वायर, और इक्विटोरियल किसको लाइन बोलते हैं, इक्विटोरियल लाइन, तो इस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन को इक्विटोरियल लाइन बोलते हैं इसको येलो कलर वाले, तो यहाँ के लिए थीटा क्या है 90 डिग्री है इक्विटोरियल लाइन के लिए, तो अगर इसमें 90 डिग्री पुट कर देंगे तो कॉस 90 जीरो होता है और पोटेंशियल हो जाएगा 0, यानी इक्विटोरियल लाइन पे
जीरो पोटेंशियल है और एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल केपी बाई आर स्क्वायर है। और जनरल फॉर्मूला पोटेंशियल का क्या है, किसी भी एंगल थीटा पे केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तीनों ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तीनों फॉर्मूला लिख लीजिए आप। तो किसी भी जनरल पॉइंट थीटा पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से किसी भी एंगल थीटा पे अगर एक पॉइंट यहाँ है, ये है पी पॉइंट, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला ये हो गया, पोटेंशियल इक्वल टू जनरल पॉइंट पे केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पी डाइपोल मोमेंट के 9 × 10⁻⁹ और आर तो कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट मतलब क्या कांस्टेंट, ये आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है। और के इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ और यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। पी क्या है यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, और थीटा है एंगल डाइपोल के सेंटर से उसके एक्सियल लाइन से कितने एंगल पे वो पॉइंट है, वो एंगल है। फिर एक्सियल लाइन की बात करें तो एक्सियल लाइन किसको बोलते हैं, माइनस प्लस को ज्वाइन करने वाले लाइन को, डाइपोल के नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के लाइन ज्वाइन करने से जो मिलेगा लाइन, उसको क्या बोलेंगे, एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन के लिए थीटा क्या होगा, 0° हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट और ऐसे ऐसे आते आते पूरा पैरेलल कर देना है एक्सियल के लिए। तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो कॉस खत्म हो जाएगा और ये खाली केपी बाई आर स्क्वायर आएगा। तो एक्सियल लाइन पे इतना पोटेंशियल होता है। और इक्विटोरियल पे थीटा क्या हो जाएगा, इक्विटोरियल पे थीटा 90 होगा, क्योंकि इक्विटोरियल डाइपोल पे परपेंडिकुलर वाले लाइन को बोलते हैं, इस लाइन को ही बोला जाता है इक्विटोरियल लाइन। तो ये परपेंडिकुलर डाइपोल पे है, तो थीटा कितना बन रहा है 90, तो कॉस 90 इसमें पुट करेंगे तो कॉस 90 सबको 0 बना देता है, ये 0 हो गया। तो ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है, इक्विटोरियल पे 0 होता है और एक्सियल पे लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला केपी बाई आर स्क्वायर, और जनरल एंगल थीटा पे, किसी भी एंगल थीटा पे केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये तीनों ही फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अभी जो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरल पॉइंट पे, थीटा पे, एक्सियल पे, इक्विटोरियल पे, तो उससे रिलेटेड एक एग्जांपल यहाँ पे है 8.7। अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज डाइपोल मोमेंट ऑफ 1 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज डाइपोल मोमेंट, यानी क्या गिवन है, ये P दिया हुआ है, P इक्वल टू 1 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलम और मीटर यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, कूलम मीटर। P इक्वल टू हो गया डाइपोल मोमेंट। बोल रहा है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट 0.3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, यानी क्या R ही 0.3 मीटर है, R ही 0.3 मीटर है डाइपोल के सेंटर से, बोल रहा है, यानी माइनस क्यू यहाँ होगा और अगर प्लस क्यू यहाँ होगा, तो डाइपोल के सेंटर से 3 मीटर दूर पूछा है। तो सेंटर से जितने मीटर दूर हम निकालते हैं, जितने मीटर पे भी निकालते हैं, उसी को तो R बोलते हैं हम। तो यही R 0.3 दिया हुआ है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, ये डिफरेंट पार्ट्स में क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है ऑन द एक्सियल लाइन, तो एक्सियल लाइन मतलब ये माइनस और प्लस को ज्वाइन करने वाले लाइन पे बताना है मुझे कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन पे यहाँ से और 0.3 मीटर दूर कितना पोटेंशियल होगा। तो ये तो एक्सियल लाइन हो गया। तो एक्सियल लाइन के लिए फॉर्मूला क्या सीखे थे हम लोग, एक्सियल लाइन के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है केपी बाई आर स्क्वायर, ये होता है ना एक्सियल लाइन के लिए केपी बाई आर स्क्वायर, केपी अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो के लिख देते हैं, के का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ के का वैल्यू हो गया। और पी तो दिया हुआ है 10⁻⁹, देखिए 1 × 10⁻⁹, तो 1 × 10⁻⁹ ये किसका वैल्यू हो गया, 1 × 10⁻⁹ पी का वैल्यू हो गया। तो के पी आ गया अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है 0.3, तो 0.3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 0.3 का स्क्वायर,
ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो फिर ये कितना आया कैंसिल होने के बाद, 9/0.3 का स्क्वायर होगा 0.09 आएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे यार, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो 10^2 ऊपर चला जाएगा, यानी 100 वोल्ट आया। पोटेंशियल कितना आ गया 100 वोल्ट है कि नहीं, 10^2 क्या होता है 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट पोटेंशियल आया फर्स्ट का, फर्स्ट पार्ट का। अब इसका सेकेंड पार्ट करेंगे अभी। सेकेंड पार्ट में है ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ये बोल रहा है इक्वेटोरियल लाइन पे बोल रहा है। पार्ट बी करेंगे इस क्वेश्चन का। इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या था, जीरो आया था ना, इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या होता है जीरो, क्योंकि इक्वेटोरियल पे कॉस 90 आ जाता है, तो ये जीरो हो गया। फिर थर्ड करते हैं, थर्ड यानी इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल जीरो है। थर्ड है ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल 60° विथ डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस किधर होता है, माइनस से प्लस की तरफ, यानी ऐसे होता है माइनस से प्लस की तरफ, तो इसके साथ 60° एंगल बनाते हुए किसी पॉइंट पे बताना है पोटेंशियल। तो कैसे पता करेंगे, तो वो जनरल पॉइंट वाला फॉर्मूला लिखेंगे, किसी भी एंगल थीटा पे डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है kp cos θ / r² के, फिर होता है kp cos θ / r² जनरल फॉर्मूला। सारा वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, k इक्वल टू होता है 9 × 10^9, P भी दिया हुआ है, P कितना दिया है 1 × 10^-9 P का वैल्यू, और cos 60° है, cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, ये क्वेश्चन में 60° दिया हुआ है, उसका वैल्यू हाफ मैंने लिख दिया, और ये 0.3 का स्क्वायर आया। तो इतने टर्म को तो पहले ही मैंने सॉल्व कर रखा है, यहाँ पे वो आया था 1000 आया था कि 100 आया था, 100 आया हुआ है, ये जीरो है तो 100 आया, तो उसका आधा, और मतलब इसका आधा कर देना है मुझे, 1/2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी 50 वोल्ट आएगा 60° एंगल बनाते हुए, जो पॉइंट मुझे मिलेगा वहां का पोटेंशियल हो जाएगा 50 वोल्ट। तो इसका आंसर हो गया 50 वोल्ट, थर्ड पार्ट का आंसर 50 वोल्ट।